मेहनत को सफल कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना ना भूलिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर उसे शेयर जरूर करें। थैंक्स। अब 10वां चैप्टर इंडिया एग्रीकल्चर। अब इसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो है टेक्निकल रिफॉर्म्स, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, टाइप ऑफ फार्मिंग और फार्मिंग मेथड्स। अब पहला टॉपिक है टाइप ऑफ फार्मिंग। अब ये गाला के दूसरे पेपर में, ब्रज के दूसरे पेपर में और मार्बल के दूसरे पेपर में ये क्वेश्चन हम लोग मैंने देखा। अब द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, जो सामाजिक और आर्थिक कंडीशन है इंडिया की, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी एंड द एंटायर इंडियन इकोनॉमी आर एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर। ये सब चीजें एग्रीकल्चर से लिंक है। फार्मिंग टाइप्स आर क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू इरीगेशन मेथड। फार्मिंग टाइप्स को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं इरीगेशन मेथड्स के द्वारा, फार्म आउटपुट और इकोनॉमिक रिटर्न। सब्सिस्टेंस फार्मिंग। आफ्टर इंडिपेंडेंस मैनी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आर इम्प्लीमेंटेड। इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हमारे इंडिया में लागू हुए, लेकिन अभी भी आर्थिक स्थिति इंडिया की फार्मर की वीक है। कॉस्टली सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड आर नॉट अफोर्डेबल इन स्मॉल फार्म होल्डिंग। अब ये सब सीड के ऊंच ज़्यादा दाम, फर्टिलाइजर महंगे और इंसेक्टिसाइड का भी दाम ज़्यादा था, तो ये एक छोटा सा फार्मर एफर्ड नहीं कर सकता था। द फार्म प्रोडक्शन इज जस्ट सफिशियंट फॉर हिज फैमिली एंड इज कंज्यूम इन द मेंटेनेंस ऑफ द फैमिली। जो फार्म उसके प्रोडक्शन करता था, फार्म प्रोडक्शन, वो खाली उसकी फैमिली को सस्टेन करने के लिए होता था और उसी से उसकी फैमिली का मेंटेनेंस भी चलता था, तो इसी को ही हम लोग सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। कर ड्राई फार्मिंग। तो आपको ड्राई फार्मिंग नाम से पता चल रहा है कि जहाँ पे रेनफॉल इन एडिक्वेट क्वांटिटी में होता है, मतलब जितना सफिशियंट है एक क्रॉप को उगाने के लिए उतना नहीं होता है, और इरिगेशन फैसिलिटी भी उधर कम होती है, और फार्मिंग टोटली, फार्मर पूरे टोटली डिपेंड होते हैं रेन पे, इसीलिए यहाँ पे एक ही क्रॉप उगाया जा सकता है जो लैंड में ह्यूमिडिटी मौजूद है। अभी ये एक्यूमुलेटेड ये सब और इनएडिक्वेट ये सब वर्ड लिखना आपको आवश्यक है। अब इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ड्राई फार्मिंग। अब इसमें कौन से क्रॉप्स उग सकते हैं, तो ज्वार, मिलेट, पल्सेस, इन सब क्रॉप्स को कम पानी चाहिए होता है, इसलिए ये इसमें उग सकते हैं। इन गुजरात में वीट और ग्राम आर ग्रोन इन द ह्यूमिड सॉइल आफ्टर द मॉनसून इज ओवर। ये वीट और ग्राम गुजरात में उगाए जाते हैं इस फार्मिंग को करते हुए। अब वेट फार्मिंग। वेट फार्मिंग आपको पता चल रहा है जहाँ पे सारी चीज़ें सफिशियंट मात्रा में हैं। देखो, वेट फार्मिंग उस इलाके में होता है जहाँ पे हैवी रेन होता है और एडिक्वेट फैसिलिटी, एडिक्वेट ये सब लिखना आपको ज़रूरी है। एडिक्वेट मतलब सफिशियंट मात्रा में, इरीगेशन की भी फैसिलिटी सफिशियंट मात्रा में रहती है और हैवी रेन भी होता है। अगर बाय चांस वहाँ पे रेनफॉल ना हो, इट इज़ इनसफिशियंट, तो यहाँ पे एक से ज़्यादा क्रॉप भी उगा सकते हैं इस इरिगेशन के हेल्प से। तो इसमें पैडी, सुगर कैन, कॉटन, वीट और वेजिटेबल ग्रोन होता है। फिफ्थ, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। अब ये स्पेशल टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है, इसमें रबर, टी, कॉफ़ी, कोकोआ, कोकोनट, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, ग्रेप्स, आमला, लेमन, खारेक एक्सेट्रा, ये सब क्रॉप्स इसमें ये एग्रीकल्चर यूज़ करके उगाया जाता है और रेयर विथ ग्रेट केयर। इट इज़ नेसेसरी दैट देयर शुड बी मोर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब ये इसमें ज़रूरी होता है कि ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो, स्किल, टेक्निकल नॉलेज, मशीन्स, फर्टिलाइजर्स, प्रोटेक्शन ऑन ऑल साइड्स, एक्विजिशन और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ये सब चीज़ें इसमें यूज़ होती है
जरूरी होती है इस प्लांटेशन एग्रीकल्चर को करने के लिए। अब इंटेंसिव फार्मिंग, अब इंटेंसिव फार्मिंग नाम से पता चल रहा है आपको कि ये मैकेनाइज वे ऑफ फार्मिंग है, इसमें मशीन का उपयोग ज़्यादा होता है। थ्रू यूटिलाइजेशन ऑफ इरीगेशन, इंक्रीज इरीगेशन, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड एंड अदर मैकेनिकल इक्विपमेंट, ये सब का इस्तेमाल करके ये इस फार्मिंग को किया जाता है, इसीलिए इसमें कैश क्रॉप उगाए जाते हैं इस फार्मिंग में। द पर हेक्टर प्रोडक्शन हैज़ इंक्रीज वेरी मच हेयर, जो पर हेक्टर प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है इस इधर इस फार्मिंग में। एंड द एरिया सोन अंडर दिस क्रॉप्स हैज़ इंक्रीज, इसलिए जो एरिया बोई जाती है वो भी इंक्रीज हो जाती है। एस मोर इम्पोर्टेंस इज गिवन टू इकोनॉमिक रिटर्न, इसमें इस फार्मिंग में ज़्यादा इकोनॉमिक रिटर्न को एस इम्पोर्टेंस मोर इम्पोर्टेंस इज गिवन टू इकोनॉमिक रिटर्न, इसे इकोनॉमिक रिटर्न को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है इस फार्मिंग में, इसीलिए इसको हम लोग कॉमर्शियल फार्मिंग भी कह सकते हैं। अब इसमें दूसरा टॉपिक है फार्मिंग मेथड्स, ये गावला के पहले पेपर और मार्बल के पहले पेपर में पूछा गया था। अब इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग, सस्टेनेबल फार्मिंग और मिक्स फार्मिंग, ये सब फार्मिंग यूज़ होते हैं फार्मिंग मेथड्स में इंडिया में। अब उसमें है पहला ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब हम लोग को जैसे पता है कि अभी केमिकल फर्टिलाइज़र और इंसेक्टिसाइड्स की मात्रा ज़्यादा मात्रा में हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इसके वजह से क्या होगा, इसका डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट पड़ेगा इस, क्योंकि ये केमिकल मेड सब्सटेंस होते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस केमिकल एंड इंसेक्टिसाइड्स इन ग्रेन वेजिटेबल एंड फूड फ्रूट, ये सब गंदा गलत असर पड़ेगा, इसी से जो सेहत है पीपल लोगों की सेहत है वो भी उस पर भी हानि पहुँचेगी। मोर डैमेज इज कॉज टू एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को भी असर पड़ेगा इसके वजह से इस द प्रोडक्टिव कैपेसिटी एंड फर्टिलिटी ऑफ द लैंड हैज रिड्यूस, इसके वजह से जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है लैंड की और फर्टिलिटी होती है वो भी कम हो जाती है। ड्यू टू विच द क्रॉप प्रोडक्शन ऑफ द लैंड एंड इट्स क्वालिटी वॉज रिड्यूस ओवर अ लॉन्ग रन, इसके वजह से क्वालिटी होती है जो लैंड की और प्रोडक्शन भी कम होता है इसके वजह से, इसीलिए हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज़ करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में सब एनवायरमेंटल बेस सब्सटेंस यूज होते हैं, चीज़ें यूज़ होती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ मेथड ऑफ फार्मिंग इन विच यूरिया और एनी अदर केमिकल फर्टिलाइजर वो सब यूज़ नहीं होते हैं फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ द क्रॉप, डंग, अर्थ, अर्थवॉर्म फर्टिलाइजर, कंपोजिट फर्टिलाइजर, ये सब यूज़ होते हैं। काव यूरिन, नीम सॉल्वेंट, बटर मिल्क, ये सब यूज़ करके इस फार्मिंग को किया जाता है, ये सब यूज़ करके प्रोडक्शन करते हैं क्रॉप्स की। द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आर फुल ऑफ न्यूट्रिशन, जो इसमें जो क्रॉप उगता है वो बहुत न्यूट्रिशन फुल ऑफ न्यूट्रिशन होता है। दे कंटेन नेचुरल वेस्ट, स्वीटनेस एंड फ्रेग्रेंस, देयर आर मिनरल्स, विटामिन्स एंड एनर्जी लाइफ एनर्जाइजिंग एलिमेंट इन दिस क्रॉप, मिनरल्स विटामिन्स और एनर्जाइजिंग एलिमेंट्स इस क्रॉप में पाए जाते हैं। नाउ आवर डे ये ऑर्गेनिक फार्मिंग को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, उसीलिए फार्मर को भी अच्छा रिटर्न मिलता है। अब सस्टेनेबल फार्मिंग, इन ऑर्डर टू सी, हम लोग जैसे देखते हैं कि जो सॉइल की फर्टिलिटी कम हो रही है, इसलिए हम लोग केयर करते हैं क्रॉप रोटेशन को, मतलब दूसरा एक क्रॉप की जगह दूसरा क्रॉप रोटेट करते हैं। यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र ओनली व्हेन नेसेसरी, जब केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करना चाहिए तभी यूज़ होता है इस फार्मिंग में। यूज़ ऑफ बायोटिक कंट्रोल फॉर इंसेक्ट एंड हार्वेस्ट, वाटर कंजर्वेशन एक्सेट्रा यूज़ होते हैं। अब मिक्स फार्मिंग है, हेयर आर द कैटल रियरिंग, पोल्ट्री, सेरीकल्चर, फिशरी एक्सेट्रा आर ऑल्सो कैरिड आउट साइमल्टेनियसली अलॉन्ग विथ फार्मिंग, फार्मिंग के साथ ये सारी चीज़ें भी की जाती है। साइमल्टेनियसली का ये लिखना ज़रूरी है, ये इसका मतलब होता है एक ही टाइम पे, एट द सेम टाइम। अब पैडी, पैडी को राइस बोलते हैं हम लोग। व्रज, व्रज के फोर्थ पेपर में आया ये और गाला के छठे पेपर में।
पैडी पैडी जैसे आप जानते हो बहुत इम्पोर्टेंट क्रॉप है, और हमारी ज़्यादातर पॉपुलेशन वर्ल्ड की इसका यूज़ करती है, स्टेबल लाइट एज अ स्टेबल लाइट। अबाउट हाफ हाफ पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया यूसेस राइस, आधी पॉपुलेशन इंडिया की पैडी राइस खाती है। इंडिया स्टैंड सेकेंड इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, इस पैडी के प्रोडक्शन में चाइना फर्स्ट नंबर पे है और इसके बाद इंडिया आता है। पैडी सोन ओवर 1/4 ऑफ द टोटल सोन एरिया। पैडी इज अ क्रॉप ऑफ टॉरिड जोन, ये टॉरिड जोन का क्रॉप है। इसके लिए हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, मिनिमम टेम्परेचर होना चाहिए 20 डिग्री सेल्सियस, फर्टाइल एलुवियल्स एंड मोर देन 100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल आर नेसेसरी। 20 डिग्री सेल्सियस इसका मिनिमम टेम्परेचर चाहिए इसको ग्रो करने के लिए, और 100 सेंटीमीटर ऑफ इन द रीजन ऑफ लेस रेनफॉल इन पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश ये उगाए जा सकते हैं इरिगेशन के यूज। उत्तर प्रदेश में भी उगाया जाता है इरिगेशन के बदौलत। मोर ह्यूमन लेबर इज़ नेसेसरी फॉर पैडी कल्टिवेशन, ज़्यादा ह्यूमन चाहिए होते हैं पैडी की कल्टिवेशन के लिए। वेस्ट बंगाल तमिलनाडु आंध्र प्रदेश उड़ीसा ये सब मेजर पैडी प्रोड्यूसिंग स्टेट है। द क्रॉप इज टेकन 2 और 3 टाइम्स इन वेस्ट बंगाल, ये क्रॉप को 2 से ज़्यादा 3 टाइम्स एक ईयर में उगाया जाता है वेस्ट बंगाल में, उत्तर प्रदेश तमिलनाडु एक्सेट्रा। अभी गुजरात में सूरत में तापी पंचमहल अहमदाबाद खेड़ा आनंद ये सब जगह पे उगाया जाता है। जैसे कि जानते हैं पैडी रिक्वायर्स मोर वाटर, पैडी को ज़्यादा वाटर की आवश्यकता होती है। हावेवर इंस्टेड ऑफ कीपिंग द पैडी फील्ड्स फुल्ली अंडर वाटर, पैडी इज ग्रोन बाय इरीगेटिंग थ्रू स्प्रिंकलर्स यूजिंग लेस वाटर। उसके बावजूद पैडी को हम इरिगेशन के बदौलत भी उगा सकते हैं। स्प्रिंकल वीट, गाला के 5वें पेपर में पूछा गया है, वीट इज़ सेकेंड इम्पॉर्टेंट क्रॉप ऑफ आवर कंट्री आफ्टर पैडी। जैसे कि आप जानते हैं पैडी के बाद ये दूसरे नंबर पर आता है इंडिया में प्रोडक्शन के मामले में। अब नॉर्थ वेस्ट इंडिया के पीपल का ये स्टेबल लाइट है। रबी वीट क्या है, रबी क्रॉप है ऑफ टेम्परेट जोन, और इसको ब्लैक और फर्टाइल लोमी सॉइल बेस्ट सूटेबल होता है इसके ग्रो के लिए, और 75 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल इसके लिए चाहिए होता है। ये 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल में नहीं उगाया जा सकता। लेस लेबर फोर्स इज रिक्वायर्ड, कम लेबर फोर्स इसके लिए उपयोग होता है, और मैकेनाइजेशन वे इसे यूज़ किया जाता है इसको उगाने में। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जो वीट प्रोडक्शन है ऑलमोस्ट डबल हो गया है। वीट कल्टीवेशन मोस्टली पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में होता है, और वो ड्यू टू कैनल वाटर इन पंजाब, जो कैनल वाटर पंजाब में मौजूद है उसकी वजह से क्या होता है एबेंडेंट, एबेंडेंट मतलब ज़्यादा मात्रा में वीट प्रोडक्शन होता है, उसीलिए इसको क्या कहा जाता है वीट बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है। वीट इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस इन स्टेट मध्य प्रदेश राजस्थान गुजरात वेस्ट बंगाल एक्सेट्रा। भालिया वीट, भालिया वीट भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस इन भाल रीजन ऑफ गुजरात। बिसाइड वीट इज़ द बेस्ट मैनी आइटम्स रोटी भखरी भाखरी सेव सीरो लप्सी एक्सेट्रा आर यूज, केक ये सब यूज़ होते हैं, वीट यूज़ होता है इसमें सब सब आइटम में बनाने के लिए। अमंग सारे ग्रेन में वीट सबसे मोस्ट न्यूट्रिशियस फूड है, इसीलिए उसको किंग ऑफ ग्रेन भी कहा जाता है। हो गया, इसके बाद हमारा टॉपिक टी। टी ये मार्वल के 3रे पेपर में पूछा गया था, टी और कॉफ़ी दोनों। अब ये 2 या 3 मास में भी पूछ सकते हैं। टी इज़ अ प्लांट ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट जोन, ये प्लांट है ट्रॉपिकल और उसके अलावा टेम्परेट जोन का भी।
टी लीफ एनी टेंडर स्प्राउट आर प्रोसेस एंड इट्स पाउडर पाउडर एंड स्मॉल लीव्स आर यूजेस इन ड्रिंक. जो इंडिया प्रोड्यूस मैक्सिमम टी आफ्टर चाइना. चाइना सबसे फर्स्ट आता है इसके प्रोडक्शन के मामले में और इंडिया उसके बाद आता है. श्रीलंका चाइना इंडिया आर लीडिंग टी एक्सपोर्टर. ये तीन श्रीलंका चाइना और इंडिया मेजर इसके टी एक्सपोर्टर हैं. स्लोपी लैंड वेयर द वाटर इजली फ्लो डाउन गुड फॉर टी क्रॉप. अब 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच इसको एसेंशियल होता है. रेंद काट दे 20 से 30 डिग्री सेल्सियस इसके लिए बेस्ट सूटेबल होता है इसके ग्रोथ के लिए. और 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल कमिंग फ्रॉम द सावर थ्रू आउट द ईयर आर फेवरेबल कंडीशन फॉर टी प्लांटेशन. 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल इसके लिए बेस्ट सूटेबल होता है इसके ग्रोथ के लिए. टी सबसे ज़्यादा आसाम वेस्ट बंगाल उत्तराखंड उत्तर प्रदेश ये सब जगह में उगाई जाती है. वेस्ट बंगाल सबसे ज़्यादा 75% टी नेशन का. इंडिया का 75% अकेला वेस्ट बंगाल ही प्रोड्यूस करता है. और कॉफ़ी इज़ अ रेयर ओवर द स्लोप ऑफ माउंटेन. ये स्लोप ऑफ माउंटेन ढलान एरिया होता है ना माउंटेन का वहाँ पे ये उगाया जाता है. इन द शेड ऑफ लार्जर ट्री के नीचे उनकी छायों में. इन सच अ वे जैसे कि सनलाइट इसके कॉफ़ी लीफ पे ना पड़े. कॉफ़ी क्रॉप के लिए 150 टू 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल चाहिए और 15 to 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसके लिए बेस्ट सूटेबल ग्रोथ है. इसके लिए 15 to 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड स्लोपी माउंटेन लैंड इसके लिए बेस्ट सूटेबल इसकी ग्रोथ के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरत होती है. कॉफ़ी इज़ ग्रोन इन अबंडेंस इन कर्नाटका केरला एंड तमिलनाडु. कॉफ़ी अबंडेंस ज़्यादा मात्रा में कहाँ पे पाई जाती है ये कर्नाटका केरल और तमिलनाडु में. जो कुर्ग रीजन है कर्नाटका का उसको सबसे जानी मानी जगह है कॉफ़ी प्रोडक्शन की. अब ये हो गया टॉपिक, इतना ही लिख देना आप. अब टेक्निकल रिफॉर्म्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गाला के थर्ड पेपर में आया है. द चेंजेस विच हैव टेकन प्लेस इन सीड्स फर्टिलाइजर एंड फार्म इम्प्लीमेंट्स इन इंडिया आर नोन एज टेक्निकल. जो चेंजेस हमारे सीड में फर्टिलाइजर जो हम लोग यूज़ करते हैं और जो फार्म के इम्प्लीमेंट में चेंजेस हुए हैं उसको हम लोग टेक्निकल रिफॉर्म्स कहते हैं. जो फार्मर पहले लेदर बकेट का यूज़ करते थे, वाटर व्हील का यूज़ करते थे, नाउ यूज सबमर्सिबल पंप्स पनडुब्बी और मोनोब्लॉक पंप सोलार पंप डीप इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर्स ये सब का इस्तेमाल करते हैं अब के फार्मर. केमिकल फर्टिलाइजर्स लाइक डाई अमोनिया फॉस्फेट DAP नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेश यूरिया एंड अदर बायो फर्टिलाइजर लिक्विड बायो फर्टिलाइजर बायोटेक सीड्स आर यूज ये सब यूज़ करते हैं. पहले के फार्मर्स बकेट्स ये सब यूज़ करते थे, अब के फार्मर्स ये सब चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं. फार्मर आर कॉन्स्टेंटली गाइडेड थ्रू रेडियो टेलीविज़न न्यूज़पेपर्स DD किसान चैनल ये सब के द्वारा इसको फार्मर को गाइड किया जाता है. और एक SMS ऑन मोबाइल बाय किसान टोल फ्री नंबर ये वो नंबर है जिससे फार्मर को गाइड किया जाता है. गवर्नमेंट भी इसको गाइड करती है. फार्म वेब पोर्टल्स आई खेडूत एंड मोबाइल ऐप लाइक एग्री मार्केट ये सब यूज़ होता है फार्मर को गाइड करने के लिए. न्यू एग्रीकल्चर रिसर्चर्स न्यू टेक्निक्स ये सब न्यू एग्रीकल्चर रिसर्च टेक्निक ये सब इंक्रीज हुआ है. टेक्निकल रिफॉर्म्स इसी को कहते हैं. अ फार्मर ट्रेनिंग सेंटर इज एस्टेब्लिश इन एवरी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर. और जो फार्मर को ट्रेनिंग सेंटर है वो हर डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर्स में बनाया गया है. वेर इन द फार्मर्स आर गिवन ट्रेनिंग जहाँ पे फार्मर्स को ट्रेनिंग दी जाती है. रिसेंट इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस आर प्रोवाइडेड टू
थ्रू एग्रीकल्चर फेयर्स इन गुजरात, जो इंफॉर्मेशन होती है रिसेंटली जो आई होती है और गाइडेंस फार्मर को दिया जाता है गुजरात में एग्रीकल्चर फेयर्स के द्वारा। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड एग्रीकल्चर कॉलेज आर इस्टेब्लिश इन एवरी स्टेट। ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर कॉलेज है, वो हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में इस्टेब्लिश हुए हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आर कहाँ कहाँ जगह पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, दंटीवाड़ा, जूनागढ़, आनंद, नवसारी इन गुजरात। दिस यूनिवर्सिटी कैरी अवर्स रिसर्च एंड प्रिपेयर्स न्यू एक्सपर्ट इन एग्रीकल्चर। बिसाइड दिस इंडिया काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, ये इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, ICAR और DARE, ये सब नेशनल लेवल पे एक्टिव रहते हैं। अब इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, ये गाला के 4th पेपर, रज के 5th पेपर और मार्वल के 5th पेपर में पूछा गया था। अब ये रिफॉर्म्स कनेक्टेड हैं किससे, लैंड ओनरशिप, क्रॉप सब्सिडी एंड सेल्स ऑफ फार्मर प्रोड्यूस आर कंसीडर टू बी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म इन इंडिया। अब गवर्नमेंट ने एक प्लान चलता काट, गवर्नमेंट हैज़ डिस्कार्डेड लैंड नॉलिज्म एंड स्टॉप द एक्सप्लोटेशन ऑफ फार्मर। गवर्नमेंट ने लैंड नॉलिज्म को हटा दिया है और फार्मर्स का एक्सप्लोटेशन भी हटा दिया है। एक्सप्लोटेशन मतलब शोषण, अंडर द लॉ लैंड टू द थीलर। अब इसमें एक लॉ है जो जो लैंड को थील करेगा, जो बोएगा कुछ भी करेगा, उसी को ये राइट है कि वो ऑनर हो सकता है लैंड का, मालिक बन सकता है लैंड का। द डिस्पेरिटी अमॉन्ग द लैंड ओनर्स हैज़ बीन रिमूव बाय लैंड सीलिंग है। और ये एक्ट के बदौलत जो डिस्पेरिटी होती थी, असमानता होती थी लैंड ओनर्स और फार्मर्स के बीच में, वो हटा दी गई है। फार्मर्स को फाइनेंशियल हेल्प भी देते हैं, क्रॉप सब्सिडी बाय किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड है जिससे फार्मर्स को फाइनेंशियल हेल्प देते हैं, और बाय नेशनलाइज एंड कोऑपरेटिव बैंक, ये सब के बदौलत फार्मर्स को फाइनेंशियल हेल्प देते हैं। फार्मर आर गिव फुल इंश्योरेंस प्रोटेक्शन ऑफ देयर क्रॉप थ्रू प्राइम मिनिस्टर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। व्हेन द क्रॉप्स फेल ड्यू टू द ड्राफ्ट, जब कभी सूखापन और भारी मात्रा में बारिश के दौरान क्रॉप्स फेल हो जाते हैं, तो फार्मर्स को फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा बाय प्रोवाइडिंग लीगल सपोर्ट एंड ओपन ऑक्शन प्रोसेस इज मेड वाइड स्प्रेड फॉर द सेल ऑफ फार्मर प्रोडक्ट्स इन मार्केटिंग यार्ड्स। फैसिलिटीज लाइक कोऑपरेटिव सोसाइटी, मार्केट एसोसिएशन, कोऑपरेटिव वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, ये सब फैसिलिटी दी जाती है, मुहैया कराई जाती है, हैव बीन प्रोवाइडेड सो दैट द फार्मर वुड गेट द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फ्रॉम द फार्म प्रोडक्ट्स। अब ये सब इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म है, ये तीन, इसमें भी एक मार्क्स में इसका फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, गुजरात कोऑपरेटिव ऑयल सीड ग्रोवर्स फेडरेशन, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। अब ग्रीन रेवोल्यूशन, ये गाला के 6th पेपर में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन द कंट्री इन द डिकेड ऑफ 1960। ग्रीन रेवोल्यूशन 1960 के दशक में अपनाया गया था, बट बिफोर देयर वॉज अ टाइम, बट लेकिन उसके पहले एक्यूट शॉर्टेज होती थी हमारी कंट्री में फूड ग्रेन्स की। हमको एग्रियन कंट्री जहाँ पे फूड ग्रेन ज़्यादा मात्रा में होती है, उधर से हमको इम्पोर्ट करना पड़ता था फूड ग्रेन्स। द कंट्री वॉज स्ट्रगलिंग अगेंस्ट द सच इंडिपेंडेंट कंडीशन, ये कंडीशन उसको फेस करनी पड़ती थी कंट्री को। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंक्रीज हुआ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन किसकी वजह से, इम्प्रूव सीड, इंक्रीज इन यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, इंटेंस एफर्ट ऑफ फार्मर्स, वाइड स्प्रेड अरेंजमेंट ऑफ
इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इम्प्रूव फैसिलिटी इन इरीगेशन इज नॉन एज ग्रीन रिवॉल्यूशन, इसी को ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज करना। फार्मर वर एंकरेज टू यूज़ केमिकल फर्टिलाइज़र, फार्मर को इससे एंकरेज करा जाता है, बढ़ावा दिया जाता है कि वो केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करे और इंसेक्टिसाइड यूज़ करे। दिस लेड टू अटेन द टारगेट टू इंक्रीज, इसके वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाता है। देयर हैज़ बीन रिकॉर्ड प्रोडक्शन ऑफ वीट, वीट बहुत भारी मात्रा में वीट और पैडी की बढ़ोतरी हुई है उसके प्रोडक्शन में ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद। व्हेन देयर इज वॉज अ स्कैर्सिटी ऑफ फूड ग्रेन इन द कंट्री, पहले जबकि हमारे कंट्री में फूड ग्रेन की कमी होती थी, अब हमारे पास सफिशियंट स्टोरेज है फूड ग्रेन के लिए। वंस ड्राफ्ट वॉज अ हैजार्ड ऑफ अ रेगुलर इंटरवल इन इंडिया, इट एडवर्स इफेक्ट आर नॉट सीन आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन, इसका खतरनाक इफेक्ट अब ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद नहीं होता है। ड्यू टू द बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन, कंडीशन ऑफ ड्राफ्ट ऑफ स्कैर्सिटी आर फेस कन्वीनियंटली, ये सब कंडीशन हम फेस कर लेते हैं क्योंकि हमारे बफर स्टॉक में ये फूड ग्रेन पाया जाता है। द सेल्फ सफिशियंसी इन फूड ग्रेन इज अ लैंडमार्क ऑफ हिस्टोरिक अचीवमेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, अब हो गया ये। अब इसके बाद ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट अ नोट ऑन ग्लोबल मार्केट एंड इंडियन एग्रीकल्चर, तो ये व्रज के पहले पेपर और गाले के पहले पेपर में पूछा गया है। अब मैंने इसका आंसर, मेरी बुक है उसमें से मैं बताता हूँ आपको। ग्रीन रेवोल्यूशन टू प्लेस इन द आवर कंट्री इन द डिकेड ऑफ 1960, ग्रीन रेवोल्यूशन हमारी कंट्री में अपनाया गया 1960 के दशक में, लेकिन उसके पहले एक्यूट शॉर्टेज ऑफ ग्रीन था हमारे कंट्री में, हम लोग को एग्रियन कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ता था ये फूड ग्रीन। द कंट्री वॉज स्ट्रगलिंग अगेंस्ट सच डिपेंडेंट कंडीशन, इसलिए कंट्री स्ट्रगल करती थी ये सब डिपेंडेंट कंडीशन से। इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू अबाउट वन हाफ ऑफ अ पॉपुलेटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, ये प्रोवाइड करता है वन हाफ पीपल को एम्प्लॉयमेंट रोजगार। एग्रीकल्चर होल्ड्स अबाउट 17% ऑफ द टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन GDP, मच फॉरेन एक्सचेंज इज अर्न फ्रॉम देयर एक्सपोर्ट, ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज अर्न होते हैं एक्सपोर्ट के द्वारा। मच फॉरेन एक्सचेंज इज अर्न फ्रॉम देयर एक्सपोर्ट, फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा मात्रा में अर्न होता है ये सबको एक्सपोर्ट करके। इंडिया दूसरे स्थान पे है एग्रियन प्रोडक्शन पे। मैनी चेंजेस टू प्लेस इन द एग्रीकल्चर फील्ड ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बाद बहुत सारे चेंजेस एग्रीकल्चर फील्ड में हुए। द प्रोसेस ऑफ टू एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट क्रॉप प्रोडक्शन इज मेड वेरी सिंपल, इसके वजह से जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का जरिया था वो सिंपल हो गया। कॉटन, चिलीज एंड टील्स आर नाउ अवेलेबल इन चाइनीज मार्केट, ये सब चाइनीज मार्केट में भी पाए जाते हैं अब। एंड वेरियस फ्रूट्स फ्रॉम वर्ल्ड आर नाउ अवेलेबल इन इंडिया मार्केट, और बहुत सारे फ्रूट्स जो इंडिया में नहीं पाए जाते थे अब पाए जाते हैं ग्लोबलाइजेशन के वजह से। द कॉस्टली जेनेटिक मॉडिफाई BT सीड सोल्ड बाय मल्टी नेशनल कंपनीज आर नाउ अवेलेबल इन इंडिया, ये जेनेटिकली मॉडिफाई BT सीड है ये अब इंडिया में भी पाए जाते हैं। विद द इम्पोर्ट बिकमिंग स्मूदर द डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, विद द इम्पोर्ट बिकमिंग स्मूदर द डोमेस्टिक फार्म प्रोडक्ट्स हैव टू फेस द कॉम्पिटिशन, इम्पोर्ट की मात्रा में स्मूथिंग आ गई, इसके वजह से क्या हुआ अब डोमेस्टिक फार्म प्रोडक्ट्स को भी टफ कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ रहा है। सम प्रोडक्ट्स हैव गिव ग्लोबल मार्केट हैंस द नेसेसिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर ऑफ देयर पैटेंट्स, अब सीरीज ऑफ
plans step will we have to taken to increase the economic prosperity and solidity of people. अब सीरीज ऑफ प्लान हमको करना पड़ेगा प्लान कि इंक्रीज करने के इकोनॉमिक आर्थिक प्रॉस्पेरिटी और सॉलिडिटी ऑफ पीपल के लिए. अब ख़त्म हो गया, ये 10 चैप्टर ख़त्म हो गया बस.